हरे कृष्णा। सबसे पहले महाभारत क्या है? महाभारत दो सबसे प्रसिद्ध महाकाव्यों में से एक है, दूसरा है रामायण। महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि यह मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा काव्य है। इसमें 1,00,000 श्लोक और 18 पर्व हैं। इस महाकाव्य के लेखक महान ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र महान कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं। महाभारत महान प्राचीन भारत का महान इतिहास है, जिसमें मुख्य रूप से शक्तिशाली धार्मिक राजकुमारों पांडवों और शक्तिशाली लेकिन शातिर और अधार्मिक राजकुमारों कौरवों की कथा है। अब प्रश्न उठता है कि जैमिनीय महाभारत क्या है? महाभारत के अपने संस्करण आदि पर्वों में व्यास कहते हैं कि उनके अलावा उनके शिष्यों जैसे जैमिनी, सुमंतु और पैल के अन्य संस्करण भी थे। दुर्भाग्य से जैमिनीय महाभारत के अश्वमेध पर्व के अतिरिक्त अन्य संस्करण नहीं मिलते हैं, तो हम जैमिनीय महाभारत के अश्वमेध पर्व पर यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैमिनीय महाभारत की शैली, प्रकृति और विशेषताएं क्या हैं? व्यास का संस्करण अधिकांश रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जीवन के प्राथमिक लक्ष्यों के रूप में प्रस्तुत करता है और केवल कभी कभी भक्ति के सिद्धांतों को उजागर करता है, किंतु जैमिनी का संस्करण विशुद्ध रूप से भक्तिमय है और स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भक्ति को उच्चतम धर्म के रूप में प्रस्तुत करता है। अतः इस संस्करण को व्यास की सर्वोत्तम कृति श्रीमद् भागवतम के उदात्त स्तर पर माना जाता है। जैमिनीय महाभारत अत्यधिक काव्यात्मक प्रकृति का है, जो श्लेषालंकार और अन्य साहित्यिक उपकरणों से भरा है और कृष्ण तथा उनके भक्तों की अत्यधिक रोमांचक, मनोरंजक और मधुर लीलाओं से भरा है। इसके अलावा जैमिनी पवित्र नामों की शक्ति का बार बार महिमा मंडन करते हैं और भगवान जगन्नाथ के शुद्ध भक्त के रूप में उनकी वास्तविक पहचान उनके द्वारा बार बार जगन्नाथ के रूप में कृष्ण की महिमा करने से प्रकट होती है। जैमिनी अपनी कथा के दौरान महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांतों को भी बहुत कुशलता से प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि महाभारत के इस संस्करण को श्रीमद् भागवतम के भाव में प्रस्तुत किया गया है, यह स्वभाव से बहुत गोपनीय है और वैष्णव के लिए महत्वपूर्ण है। जैमिनी अश्वमेध पर्व सुनने के क्या लाभ है? ऐसा माना जाता है कि जैमिनी अश्वमेध पर्व को सुनने मात्र से ही संपूर्ण महाभारत और सभी 18 महापुराणों को सुन लिया जाता है। इसका बार बार और विश्वासपूर्वक श्रवण करने से सभी भौतिक सफलता और अंततः सर्वोच्च आध्यात्मिक सफलता यानी कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण।